आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन रूपी परमेश्वर जो है देहधारी हुआ, किसमें देहधारी हुआ? यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हैं, हम तीसरे खंड में हैं। परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पिछले संदेश में हमने सीखा था घोड़ों के बारे में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है 4 घोड़ों का वर्णन है। इससे पहले कि हम उन घोड़ों का वर्णन करते, हमने पिछले संदेश में इन घोड़ों के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 पद से लेकर 2 पद तक। यहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है, चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे प्रभु की आशीष हो। यहां पर जो है पहली मोहर के खुलने का वर्णन है। जब पहली मोहर खुलती है तो क्या होता है कि उन 4 प्राणियों में से जो है एक प्राणी जो है वो यूहन्ना को बुलाता है कि यूहन्ना इधर आ। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, और तीसरा पॉइंट है कि उस सवार के हाथों में एक धनुष है। चौथा यहां पर पॉइंट जो दिया गया है, सवार को एक मुकुट दिया गया। अब चारों प्राणियों में से एक अर्थात पहला प्राणी जो यूहन्ना को बुलाता है वो क्या है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां जब आप पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है कि ये जो प्राणी है, पहला प्राणी जो है, ये क्या है? ये सिंह के समान है। और हमने इसका जो है वर्णन किया था कि उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 8 से 12 पद तक कि ये जो प्राणी है, पहला प्राणी, ये यहूदा के गोत्र का सिंह है। यानी यहूदा के गोत्र का सिंह जो कहा गया, किसको कहा गया है? प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 5 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जो यहूदा के गोत्र का सिंह है वो है वध किया हुआ मेमना, अर्थात यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया गया है कि वो यहूदा के गोत्र का जो सिंह है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के बारे में, उसके पैदा होने के बारे में, उसके जन्म के बारे में मीका 5 अध्याय उसके 2 पद में भी लिखा हुआ है कि यहूदा के गोत्र से एक पुरुष निकलेगा, यहूदा के गोत्र से है? जो बैतलहम में पैदा होगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। बहुत सी चीजें जो है इसके अंदर दी गई हैं, अर्थात यूहन्ना को जो बुलाने वाला है, ये समझने वाली बात है। वो जो प्राणी बुला रहा है जो सिंह के समान है, यहूदा के गोत्र से संबंध रखता है, इसका मतलब है वो उसको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक श्वेत घोड़े को दिखा रहा है कि देख ये श्वेत घोड़ा है, यानी सफेद रंग का घोड़ा है, और इस घोड़े पर जो है वो सवार जो बैठा हुआ है, उस सवार को भी यूहन्ना देख रहा है। अब उस सवार के हाथ में एक धनुष है, और धनुष जो है वो किस चीज का प्रतीक है? धनुष जो है वो युद्ध का या विजय का जो है प्रतीक होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी इस सवार को जो है, ये जो सवार है इसको एक कार्य सौंपा गया है, और ये जो कार्य इसको सौंपा गया है, ये कौन सा कार्य है? इसको जो कार्य सौंपा गया है, परमेश्वर के वचन को फैलाने का कार्य सौंपा गया है। अब आप कहोगे कि भाई ये सवार जो है ये परमेश्वर के वचन को फैलाने का मतलब इसका क्या अर्थ है, इसका ये कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है ना कि उसको जो बुलाने वाला जो प्राणी है वो सिंह के समान है, अर्थात यहूदा के गोत्र का है, और यहूदा के गोत्र का सिंह किसको कहा गया? प्रभु यीशु मसीह कहा गया। यदि हम वचन की बात करते हैं तो
यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय और उसका पहले पद में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, सबसे पहली बात। और इसी का जब 14वां पद पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा देखते हैं। आप कहोगे हाँ साहब ये दोनों तो पद सही है, मगर ये बात समझ में नहीं आई कि वो जो सफेद रंग का घोड़ा है और उस पे जो सवार है वो ये वचन कैसे हो सकता है, इसको भी समझना जरूरी है। चलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 11 से 13 पद तक निकाल लीजिए, इसको पढ़ते हैं और ये पढ़ना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय 11 से 13 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, ध्यान दीजिएगा, उसके हाथ में भी धनुष है। जो पहला घोड़ा खोला गया सफेद रंग का, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 से 2 पद में अभी हमने पढ़ा था, और उसके उसको भी क्या है, एक मुकुट दिया गया है और यहां पर भी उसके सर के ऊपर राज मुकुट है और उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। ये मुकुट पे जो नाम लिखा उसकी बात है। परंतु अब 13वां पद जरा ध्यान दीजिएगा, वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जी हां, ये यीशु मसीह को दर्शाया जा रहा है। यीशु मसीह को वचन कहा गया, आदि में क्या था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन रूपी परमेश्वर जो है देहधारी हुआ, किसमें देहधारी हुआ, यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ है। और ये जो वचन है वहां वचन को फैलाने की बात है, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को फैलाने की बात है कि वो जो सवार है कि वो वचन को जो है पूरी तरीके से फैलाए। और आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाने की बात हुई है 31 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक परमेश्वर के वचन को जब फैलाने के लिए चेले निकल पड़े, चेले गए, तो उनके साथ बहुत सताव हुआ परमेश्वर के वचन को दुनिया में फैलाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, मैं आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ देता हूं आपको निकाल लीजिए, मत्ती 28 और उसका 19-20 पद, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यानी उस सुसमाचार को जो है राज के उस सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तक राज का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाता या नहीं हो जाता तब तक दुनिया का अंत नहीं। और ये राज के सुसमाचार को फैलाने के लिए जो है ये चेले जो है ये निकल पड़े, ये घोड़ा जो है उसी चीज को दर्शाता है, ये उसका प्रतीक है आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए। और 31 एडी से लेकर और 100 एडी तक जब परमेश्वर के वचन का प्रचार फैलाया जा रहा था तो मामूली नहीं था, बहुत से लोगों को जो है जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, जो प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, आपने देखा होगा जब चेलों की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो किसी को आरे से चिरवा दिया गया, किसी को तलवार से काट दिया गया, किसी को जो है बड़े बड़े जो जंगली जानवर होते हैं, वो बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उनकी खाल निकाल कर उनको जिंदा खाल में सी दिया गया और उनको डाल दिया गया रेत के अंदर और बहुत सी आग में उनको डाल दिया गया, बहुत कुछ, मतलब बहुत भयंकर यातनाएं जो हैं वो परमेश्वर के वचन को फैलाने में हुई और परमेश्वर का वचन जो है वो नष्ट करा। यानी इसका मतलब क्या है, धनुष और मुकुट की जब हम बात करते हैं तो धनुष और मुकुट का मतलब है कि सुसमाचार को फैलाने और सुनाने का अधिकार उसको दिया गया और वो विजय भी है कि वो विजय प्राप्त करे। और सही में आज पूरे संसार के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह का जो राज का सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं
जो चेलों ने सुनाई हैं वो पूरे संसार के अंदर देखने को मिलती है। पूरे संसार के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलता। क्यों? यहां पर जो है, जरा ध्यान देने की बात है, ये श्वेत घोड़ा जो है उस पर सवार अर्थात वचन की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, जो परमेश्वर के वचन से लोगों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए निकला है। और कैसे शुद्ध और पवित्र करने के, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे शुद्ध और पवित्र होंगे? जब तक वचन को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक प्रभु पे कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि पौलुस भी रोमियो में क्या कहता है, रोमियो 10 को उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं कि मसीह ने कैसे हमारे लिए अपना बलिदान दिया, कैसे वो इस दुनिया में आया हमें पापों से उद्धार करने, हमारे पापों से उद्धार करने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। और इसलिए यशाया एक बड़ी प्यारी भविष्यवाणी करता है, बहुत प्यारी बात कहता है। परमेश्वर का वचन जो है यशाया नबी के द्वारा क्या कहता है, यशाया 1 अध्याय उसका 18वां पद है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गमनी रंग के हों तो भी उन ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो। बहुत से कहते हैं अरे ये पापी है, ये नहीं सुधर सकता, ये इसके पाप कोई नहीं क्षमा करेगा, परमेश्वर भी उगता। मगर जब हम परमेश्वर के नजदीक, देखे परमेश्वर हमें बुला रहा, आओ हम क्या वाद विवाद, यानी वाद विवाद का मतलब होता वार्तालाप है, वार्तालाप करें परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए, किसी दूसरे के गुनाहों के लिए नहीं, अपने गुनाहों के लिए वार्तालाप करें, पश्चाताप करें, और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उसको फॉलो करें, उस वचन को सुने जो हम, जिसके लिए बहुत लहू बहाया गया है और जो आज हम तक पहुंचा है, हम उस वचन पे विश्वास करें। और ये वचन जो है सारे संसार में, पूरी संसार में फैल गया है, और ये श्वेत घोड़े का जो मकसद था वो पूरा मकसद पूरा हुआ, हम तक पहुंचा है। इसलिए हम जो है, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से शुद्ध और पवित्र करना चाहता है कि हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं, और इसका संबंध जो है वो परमेश्वर के वचन से है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को इग्नोर ना करें, परमेश्वर के वचन को समझें, उसको जानें, उसको सीखें और उसके अनुसार अपना जीवन जिए, ताकि प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें। और जैसा वो सफेद सफेद है, सफेद का मतलब पवित्र और शुद्ध है, वो कहता ना मैं ऊन के समान जो है श्वेत हो जाएंगे। ऊन के समान श्वेत होने का मतलब ऊन के समान सफेद, ऊन के समान मुलायम, हमारा जीवन मुलायम कोमल हो जाएगा। परमेश्वर उस कोमलता में पवित्र कर परिवर्तित कर देगा, उस पवित्रता में परिवर्तित कर देगा जो सफेद घोड़े और उसके सवार के अंदर जो पवित्रता है, वो पवित्रता, उस वचन की पवित्रता हमें देना चाहता है। लास्ट में एक पत्र बताना चाहूंगा, ऐसे बर्बली आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 17 अध्याय उसके 17वें पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखित रूप से एक बड़ी लंबी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जी हां, सत्य के द्वारा हमें पवित्र होना है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, जो वचन फैला उस सफेद घोड़े के द्वारा, चारों तरफ फैला, फर्स्ट सेंचुरी में जो फैलाया गया है, वो आज पूरी दुनिया के अंदर है, उसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके आने का इंतजार करें और उसके राज के वारिस हों। प्रभु आप सबको आशीष दे।